अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले। कार्यक्रम पदाधिकारीगण, उपस्थित सभी बंधु, सभी को मेरा क्रांतिकारी देवी। साथियों, आज हम उस युग पुरुष की जयंती समारोह मना रहे हैं जिनका जन्मोत्सव समारोह एक दिन नहीं पूरी साल और देश में नहीं पूरी दुनिया में मनता है। बहुत ही हर्ष का विषय है कि आज हम परम पूज्य बाबा साहब के जन्मोत्सव के बहाने एकत्रित हुए हैं। मैं डॉक्टर धनंजय जी और उनकी टीम को बहुत बहुत साधुवाद दूंगा। वो वास्तव में साधुवाद के पात्र हैं कि उन्होंने देश के बहुजन समाज को एक प्लेटफॉर्म पर लाने की कोशिश की है, इसके लिए बहुत बहुत साधुवाद के पात्र हैं। साथियों, बाबा साहब का जो जन्मदिन मनाते हैं ये उनके आश्रम से हमने सीखा है। बाबा साहब का जो आश्रम था, उनका जो करैक्टर था, वो एक वाक्य से मैं आपको हमें बताना चाहूंगा कि जब बाबा साहब भारत के कानून मंत्री थे तो उनको कोठी और नहीं हुई थी, वेस्टर्न कोर्ट के कमरा नंबर 11 में रुके हुए थे। उसी दौरान देश में एक प्रतिस्पर्धा का माहौल चल रहा था, तो कोर्ट के आंगन में बहुत तेजी से शोर मचा कि मारो मारो। कुछ बाद बाबा साहब के पास एक वृद्ध व्यक्ति आया और बाबा साहब से बोला कि बाबा साहब, कुछ लोग हमें मारने को उतारू हैं, फिर आप हमारी मदद करें क्योंकि आप देश के मंत्री हैं, आप पुलिस को बुलाएं, पुलिस को बुलाकर हमें जान बचाएं। बाबा साहब ने पुलिस को ना बुला के खुद स्वयं कमरे से बाहर आए और वेस्टर्न कोर्ट के आंगन मार के बहुत ही तेजी से गर्द हुए। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि आपने तुरंत खाली मुझे आंगन खाली नहीं किया, यहां से आप लोग नहीं गए, तो मैं देश का कानून मंत्री बोल रहा हूं, अपनी अपनी पावर का इस्तेमाल करूंगा, भला इसी का होगा कि आप तुरंत यहां से चले जाए। क्योंकि इस कोर्ट में जितने भी मुस्लिम समाज के परिवार यहां रह रहे हैं उनकी जान और माल की रक्षा करनी मेरी देवी की बजाय है, ऐसा चरित्र था बाबा साहब। साथियों, ये देश कहते हैं कि बाबा साहब के द्वारा बनाए हुए संविधान चलता है। भारत का संविधान हमें समानता देता है, लेकिन इस मुल्क की सरकारों ने हमें क्या दिया? असमानता, गैर बराबरी, जातिवाद और कुलवाद को बढ़ावा। जब भारत का संविधान में समानता देता है, इस मुल्क की सरकार वर्ण व्यवस्था को मानने वाले लोगों के लिए जब 10% का आरक्षण दे सकती है, तो किसी अंबेडकर वादी ने यह बात नहीं उठाई कि जब वर्ण व्यवस्था को मानने वालों को 10% का आरक्षण दिया जाता है तो इस देश के नागरिक मुस्लिम समाज को भी आरक्षण दिया जाना चाहिए। यह आवाज अंबेडकर वादी को होनी चाहिए थी। क्योंकि इस देश में समानता साबित करनी है तो हमें जातिवाद को मिटाना पड़ेगा।
बाबा साहब का जीवन को संघर्ष मनुवाद और पूंजीवाद के खिलाफ रहा, लेकिन हमारा जो कार्य है वो तो मनुवाद को धोने का लगा हुआ है और पूंजीवाद को धोने का लगा हुआ है। अगर आप ईमानदारी से समीक्षा करेंगे, आईने के सामने खड़ोगे और अपने आप से भी पूछेंगे कि मैं कितना विरोधी हूं मनुवाद का, कितना विरोधी हूं पूंजीवाद का, तो ये क्वेश्चन का जवाब आप अपने आप से पूछ रहे हैं। साथियों, जिस प्रकार हम बाबा साहब का जन्मदिन मना रहे हैं, इससे ज्यादा महत्वपूर्ण है हम अपने आश्रम में बाबा साहब को मनाए, तभी बाबा साहब के जन्मदिन मनाने का फायदा होगा। बाबा साहब मानवता के पुजारी थे, पूरी दुनिया मानती है, बहुत ही हर्ष का विषय है कि आज हम ऐसे प्रांगण में जयंती मना रहे हैं कि क्या यहाँ का कोई डॉक्टर्स या कोई लैब का विश्लेषण है ये बता सकता है ये हिंदू का खून है या मुसलमान का खून है, नहीं बता सकता। जब हमें मानवता की बात की जाए धीरे धीरे कि हम हिंदू हैं मुसलमान हैं, तो हम इस मुल्क की सरकार से ये उम्मीद ना रखें कि हम उससे कहीं भी सारे बचा रहे हैं। यह हमें मानवता स्थापित करनी है, बाबा साहब के आदर्शों का भारत बनाना है, प्रबुद्ध भारत का निर्माण करना है, तो हमको अपने आश्रम में आना पड़ेगा। आपको हर्ष होगा, गत वर्ष आपने देखा 2 अप्रैल को एक आंदोलन हुआ, उस आंदोलन में मैं आज उन साथी को लाना चाहता था, लेकिन आज वो किसी कारणवश नहीं आए। मुजफ्फरनगर में हमारा एक नौजवान साथी है आज मोहम्मद, उसने उस आंदोलन को लीड किया और 2 अप्रैल को जेल गए। अब उस थाने का एसएचओ कह रहा था कि आप लोग क्यों नहीं भेजू, लेकिन उस युवक ने कहा कि नहीं, ये आंदोलन मेरा पार्ट है, मैं इस आंदोलन का नेतृत्व कर रहा हूं, या फिर आंदोलन में अगर आपको मुझे रोकना है तो आप मुझे देना पड़ेगा। जिस मुस्लिम समाज के युवक ने उस आंदोलन को लीड किया, तो हमारे भी नेतृत्व जिम्मेदारी हो जाती है कि हम भी इस मानवतावादी व्यवस्था को स्थापित करने में अपना योगदान दें, अपने आश्रम में लाए। समय की पाबंदी है, मैं अंत में आप सभी को बाबा साहब के प्रकोष्ठ की हार्दिक मंगलकामना देता हूँ और उन्हें डॉक्टर धनंजय और उनकी टीम को बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ। उन्होंने बहुत सुंदर आयोजन किया, इसलिए साधुवाद के पात्र हैं। सभी को मेरा क्रांतिकारी प्रेमी धन्यवाद। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें, ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।